अफगानिस्तान में स्कूल खुलने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें फिर से बंद करने के तालिबानी फरमान पर छात्राओं का गुस्सा भड़क गया। पिछले साल अगस्त में सत्ता पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पहली बार वहां 10वीं तक के स्कूल खुले थे, और ऐसे में जब छात्राओं को स्कूल दोबारा बंद किए जाने की जानकारी मिली तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और राजधानी काबुल में छात्राएं इस आदेश के विरोध में सड़कों पर उतर आईं। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने वहां से गुजर रहे ट्रैफिक को रोक दिया। वहीं फिर से स्कूल बंद होने की वजह से घर लौटने को मजबूर एक छात्रा तो खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोती दिखाई दी। असल में अफगानिस्तान में एक दिन पहले ही स्कूलों को खोले जाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन स्कूल खुलने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिए गए, जिसके विरोध में कुछ छात्राओं ने स्कूलों के अंदर ही धरना शुरू कर दिया। उधर ओमान में खेले जा रहे महिला क्रिकेट के एक मैच में सबसे बड़े निजी स्कोर का नया रिकॉर्ड बन गया। ओमान में GCC वुमेन्स T20 चैंपियनशिप खेली जा रही है, जिसके एक मैच में बहरीन की एक खिलाड़ी ने 161 रन की पारी खेली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में किसी भी एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा निजी स्कोर है। दीपिका रसंगिका नाम की इस खिलाड़ी ने केवल 66 गेंदों पर 161 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 31 चौके लगाए, जबकि सऊदी अरब के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में बहरीन ने 20 ओवर में केवल एक विकेट खोकर 318 रन बना दिया। ये महिला क्रिकेट में 20 ओवर का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले किसी भी टीम ने T20 मैचों में 318 रन नहीं बनाए थे। जवाब में बल्लेबाजी करने आई सऊदी अरब की पूरी टीम 20 ओवर में केवल 49 रन ही बना पाई और बहरीन ने यह मैच 269 रन से जीत लिया।